बात करेंगे जश्न आजादी की आमद के हवाले से। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी 77वां योम आजादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बुजुर्ग हों, जवान या बच्चे, सब भी योम आजादी की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। बच्चे अपने स्कूल्स के फंक्शंस और घरों को सजाने के लिए झंडियां और दीगर अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। मजीद तफसला जानते हैं एबीएन न्यूज के नुमाइंदा बिलाल अली से। जी बिल्कुल, 77वां यौम आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो इंतहाई जोश खरोश से जो है वो मनाई जा रही है। बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जो तमाम शहरी जो है वो ख़रीदारी की ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या ख़रीदा है और स्कूल के फंक्शन है, घर के लिए भी ख़रीदा है। मैं शर्ट्स, टी शर्ट, संडे वगैरह, चश्मे, परचम, तितरियां, बेड्स वगैरह ये सब खरीद रहे हैं। घर के लिए झंडियां, झंडे सजाने वगैरह के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बच्चे हैं और बुजुर्ग हों, जो तमाम जो लोग हैं वो जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कहना है कि यौम जश्न आज़ादी है, उसको अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे। जी, और मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। शहर भर में जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लगे हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी का सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ चावन। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो स्टॉल से साफ-सुथरे परचम, फ्लैग और झंडियाँ और दीगर जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए उन्होंने स्टॉल का रुख कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, जैसे आप देख रहे हैं हर साल हम आज़ादी मनाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना, और मज़ीद भी इसे वो करेंगे। और जितने बच्चे देख रहे हैं आप पाकिस्तान में आज़ादी करते हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और हम इसको इंशाल्लाह और भी भरपूर करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि वो स्टॉल्स पे आए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें साफ लाली परचम, फ्लैग्स, कैप्स और दीगर चीज़ें खरीद रहे हैं। ऐसे वो अपने घरों को भी सजाएंगे, खुद भी जो जश्न आज़ादी का दिन है वो खुशी के साथ मनाएंगे। जी, गुजरांवाला में भी जश्न आज़ादी को यादगार और मुनफरिद बनाने के लिए शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे बड़े पाकिस्तानी परचम के साथ अपनी तस्वीर का खूबसूरत डिजाइन बनवा कर टी शर्ट पर प्रिंट करवा रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मुदस्सर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, जून जून जश्न आज़ादी जो है करीब आती जा रही है, जो है गुजरांवाला के शहरों में जोश खरोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बच्चे बड़े पूरे तमाम जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां करने में मौजूद है। मैं इस वक्त उर्दूदार एक टी शर्ट प्रिंट शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बच्चों की, बड़ों की जो है परचम के साथ जो है उनकी तस्वीरों के साथ तस्वीर प्रिंट करके जो शर्टें तैयार की जाती है। मेरे साथ दुकानदार हैं, उनका भी आजकल कारोबार बड़ा चमक रहा है, आइए उनसे जानते हैं। 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त के मौका पर बच्चों के लिए 14 अगस्त की शर्टें प्रिंट कर रहे हैं, तस्वीर लगा के, और काफी कस्टमर आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए बनवा के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी है, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। जी सर, बताइएगा आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? मैं भी यहाँ शर्ट प्रिंट करवाने के लिए आया हूँ, मेरे दो छोटे भाई हैं, वो बहुत इंतजार कर रहे हैं कि मेरी शर्ट बनवा के लाएं पाकिस्तान के। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी बात सुनी है, हर कोई अपने मुनफरिद अंदाज से 14 अगस्त को मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहा है।